हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो उसके लिए फ्यू स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको सीएफ फाइंड करना होगा इसका सीएफ। तो फर्स्ट फाइंड सीएफ। सीएफ आपको इस फॉर्म में मिलेगा C1Y1 प्लस C2Y2 की फॉर्म में, ठीक है। C1Y1 प्लस C2Y2 की फॉर्म में। फिर यहाँ से आप रोन्सकीयन निकालना। क्या निकालोगे? रोन्सकीयन निकालोगे। रोन्सकीयन W आप बोल सकते हो दैट इज़ ऑफ Y1 Y2, जो यहाँ पे Y1 और Y2 आएंगे ना सॉल्यूशन के पार्ट, और इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको नीचे कर देना है। Y2 का डिफरेंशिएशन Y2 डैश, Y1 का Y1 डैश। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो 2x2 ऑर्डर में। ये मल्टीप्लाई करेंगे Y1 Y2 डैश माइनस Y1 डैश Y2। ये सोल्व करना है, ठीक है। रोन्सकीयन फाइंड करना है। उसके बाद जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालोगे वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा आपको UY1 प्लस VY2 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। PI ऑफ दिस मेथड इज़ UY1 प्लस VY2। फिर हमें V और U की वैल्यू फाइंड करनी है। बस U आपका रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Y2 x, ये वाला जो फंक्शन x या फंक्शन ऑफ x। नीचे रोन्सकीयन की जो वैल्यू है वो रख देना है और विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर देना है। ये U की वैल्यू फाइंड होगी। और V को अगर फाइंड करना है तो ये रहेगा Y1 फंक्शन ऑफ x जो भी है, नीचे रोन्सकीयन और इनटू dx। U और V फाइंड करेंगे यूजिंग वेरिएशन, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स U एंड V फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे। और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़, कंप्लीट सॉल्यूशन को आप कैसे लिखोगे? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ सम ऑफ CF एंड PI। CF निकाल दिया होगा, PI U और V की वैल्यू यहाँ पुट करके PI भी निकल जाएगा। दोनों को सम अप कर देना है और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें ऐसे इस मेथड में इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको डी की टर्म्स में लिखेंगे। d² / dx² है ना, जो इसको आप लिख सकते हो d² डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y प्लस 9y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे गिवन है secant 3x के। तो यहाँ से y बाहर ले सकते हो, ये d² + 9 × y इज इक्वल टू secant 3x, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप। अब एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना होता है, जो ये कोफिशियंट ऑफ y है इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे d² + 9 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। d को आप m से रिप्लेस भी कर सकते हो, यहाँ पे m से रिप्लेस करके भी कर सकते हो। तो m² + 9 इक्वल टू क्या है, 0। तो ये हो गया m² = -9। m की वैल्यू आएगी -9 का स्क्वायर रूट, तो दैट इज़ +-9 का रूट 3 -1 का रूट i। रियल पार्ट यहाँ पे 0 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, 3i। तो ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे रूट्स अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा की फॉर्म में है। तो अल्फा तो यहाँ पे 0 है और बीटा कितना है, यहाँ पे 3 है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप इक्वेशन, जो कंप्लीट फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, वो रिटन एज e^(α), अल्फा 0 है, x इंटू a cos बीटा x, बीटा क्या है 3x, प्लस b sin बीटा x 3x। तो यहाँ से आप देख सकते हो e^0x 1 होगा, a cos 3x प्लस b sin 3x, ये आ गया यहाँ पे CF। CF को फाइंड करेंगे तो देखो ये किस फॉर्म में है, C1 Y1 और C2 Y2 की। यहाँ पे C1 की जगह हमने a रख रखा है, a, ठीक है। C1 यानी कॉन्स्टेंट इनटू जो फंक्शन ऑफ x होगा ना, ये आपका क्या है, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे Y1 और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे Y2। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे,
हम इसको रखेंगे, सी एफ को आ गया हमारा सी वन इंटू कोस थ्री एक्स और प्लस सी टू, बी बी को सी टू लिख दिया, सी टू साइन थ्री एक्स। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू से, तो वाई वन की जो वैल्यू है वो फाइंड हो गई है कोस थ्री एक्स, और यहाँ पे हेयर वाई टू इज इक्वल टू क्या हुआ साइन थ्री एक्स। वाई वन वाई टू आने के बाद हमें रोन्सकेन फाइंड करना है, दैट हैज़ द वैल्यू वाई वन वाई टू डैस माइनस वाई वन डैस वाई टू। तो इसके लिए रोन्सकेन अगर आप निकालोगे तो वाई वन क्या है यहाँ पे कोस थ्री एक्स, वाई टू हैज़ द वैल्यू साइन थ्री एक्स, और कोस थ्री एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस थ्री कोस का डेरिवेटिव हो गया साइन थ्री एक्स, एंगल का थ्री। ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव होगा कोस थ्री एक्स और एंगल का इसके साथ मल्टीप्लाई में ये। अब इसको सोल्व करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री कोस स्केयर थ्री एक्स माइनस ये मल्टीप्लाई ये करेंगे तो माइनस थ्री साइन थ्री एक्स आएगा, स्केयर थ्री एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थ्री कॉमन आ जाएगा, ये कोस स्केयर थ्री एक्स बचेगा और प्लस क्या बचेगा साइन स्केयर थ्री एक्स। ये आइडेंटिटी होती है वन के इक्वल होता है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा वन। तो यहाँ से रोन्सकेन की जो वैल्यू आ गई थ्री आ गई, इस वैल्यू को वहाँ पे पुट करके यू और वी फाइंड करेंगे। अब यहाँ से आपका यू निकलेगा, यू की वैल्यू होगी माइनस वाई टू। वाई टू क्या था अगर आपने कंपेयर किया था तो सी वन कोस थ्री एक्स, वाई वन को लिया था कोस थ्री एक्स, वाई टू की वैल्यू ली थी साइन थ्री एक्स। यहाँ पे पुट करो माइनस वाई टू, वाई टू है साइन थ्री एक्स बाय रोन्सकेन आया थ्री, ठीक है, और इनटू एक्स, एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इसकी वैल्यू है सीकेंट थ्री एक्स डी एक्स। इसको सोल्व कर देना है, यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, ये हो गया माइनस बाहर ले सकते हो साइन थ्री एक्स इंटू सीकेंट थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स और सीकेंट होता है वन बाय कोस, तो ये हो गया कोस थ्री एक्स लिख सकते हो, थ्री साथ में है डी एक्स। ये आ गया माइनस वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट थ्री एक्स डी एक्स, और टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वन बाय सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स टेन एक्स सीकेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस वन बाय थ्री लॉग ऑफ सीकेंट थ्री एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे रख सकते हो आप यहाँ पे थ्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी यू की माइनस वन बाय नाइन log of secant 3x। ऐसे ही v को फाइंड कर सकते हो, यहाँ से v की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी cos 3x रोन्स के नीचे 3 और इनटू क्या होगा यहाँ पे secant 3x dx, secant 3x कैंसिल हो गया 1 बाय 3 और ये x, ये आ गया v। अब जो पी आई होगा यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीगल वो क्या था, क्या वैल्यू होगी यू इंटू वाई वन, यू की वैल्यू आपने सोल्व की माइनस वन बाई नाइन लॉग ऑफ सीकेंट थ्री एक्स इंटू वाई वन, वाई वन क्या है हमारा कोस थ्री एक्स, तो यहाँ पे साथ में आएगा कोस थ्री एक्स प्लस वी इंटू वाई टू, v है वन बाई थ्री एक्स, वाई टू क्या है साइन थ्री एक्स, वन बाई थ्री एक्स बाई थ्री साइन थ्री एक्स, ये आ गया पी आई। सी एफ और पी आई दोनों को सम कर देंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर इसका लिखना हो आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन सम ऑफ सी एफ और पी आई लिख देंगे, यहाँ पे सी वन कोस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन 3x प्लस ये आ गया ये पी आई, पी आई की वैल्यू क्या है माइनस कोस 3x बाई नाइन लॉग ऑफ सीकेंट
3x plus x by 3 sin 3x plus some constant भी लिख सकते हो, sin की term को इकट्ठा भी कर सकते हैं यहाँ से. तो this will be the solution of this differential equation using method of variation of parameters. Thanks for watching.